दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक चीज में बताना चाहूंगा कि ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे आने वाला हर कंटेंट केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे किसी भी लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ पे केवल और केवल सेटअप उसके सॉफ्टवेयर की अपडेट दी जाती है, जो भी इसमें इशू होता है उसको सॉल्व किया जाता है। और अगर इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी कंटेंट का कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए मैं या फिर ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक एंड प्ले के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज किस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है भाई, हेलबॉक्स से हट के, हेलबॉक्स के अलावा मतलब एक और सॉफ्टवेयर मिल रहा है आपको और इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको अपग्रेड प्रोसेस और उसका डाउनग्रेड प्रोसेस दोनों ही इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, साथ में लोगों से ये भी करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी प्रेस कर देना। सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो फाइलें मिलेंगी, एक मेन सॉफ्टवेयर और एक उसका डाउनग्रेड। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अगर आप हेलोबॉक्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं या फिर अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं तो ये प्रोसेस काम करेगा। अगर आपने कोई और उल्टा सीधा सॉफ्टवेयर करके रखा है तो उसके लिए भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप प्रोग्रामर या फिर RS-232 से इसको इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले जाना है यूटिलिटी में, हेलोबॉक्स की बात कर रहा हूँ, यूटिलिटी में जाना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे जाना है। अपग्रेड पे जाने के बाद यहाँ पे अपग्रेड टाइप में USB अपग्रेड सेक्शन में ऑल फाइल पैथ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है सेलेक्ट मेटाबिल्ड GX6605SNKMERMS.bin, ये वाली फाइल आपको यहाँ पे करनी है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे कर देना है ओके। जैसे आप स्टार्ट पे ओके करेंगे यूएसबी के थ्रू आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी भी सेटअप बॉक्स में यूएसबी से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो आपका पावर कट नहीं होना चाहिए। अगर आपका पावर कट हुआ तो फिर आपका बॉक्स डेड हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, फिर आपको RS-232 या फिर प्रोग्रामर की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रख दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। रिक्वेस्ट तो आपसे दोबारा करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक जरूर कर देना और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। हमारा यूएसबी के थ्रू सॉफ्टवेयर हो चुका है इंस्टॉल और थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, इसको होने देते हैं पहले प्रॉपरली बूट अप और बूट अप होने के बाद फिर आगे आपको बताता हूँ कि क्या कुछ नया इंटरफेस वीडियो में या इस सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा और क्या कुछ नया है इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। हमारे पास आ चुका है बूट लोगो मेटाबिल्ड 2024 GX6605SYIDN, इसको पहले होने देते हैं प्रॉपरली बूट अप। जी हाँ, हमारा यहाँ पे सेटअप बॉक्स जो है प्रॉपरली बूट अप हो चुका है और ले चलता हूँ सीधा आपको मेन मेन्यू में। तो ये वाला मेन मेन्यू का इंटरफेस या लुक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। वाईफाई यहाँ पे हमारा ऑटो कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा एंटीना सेटिंग। एंटीना सेटिंग में आपको थोड़ा सा अगर मैं क्वालिटी और स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी देखने को मिल जाएगी ओके। उसके बाद मोटर सेटिंग है, सेटेलाइट लिस्ट है, टीपी लिस्ट है, फाइल का ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वो मिलता था मीडिया वाले सेक्शन में जाके, पर अभी फिलहाल आपको ये इंस्टॉलेशन में ही मिल जा रहा है। रिकॉर्ड फाइल्स, जो भी आपने सीरियल रिकॉर्ड करके रखा है, मूवी रिकॉर्ड करके रखी है, जो भी कुछ आपने कुछ रिकॉर्ड करके रखा अपने सेटअप बॉक्स के थ्रू अपने पेन ड्राइव में, वो यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं। PVR मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सुपर कास्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। QR कोड को इसको आप स्कैन करेंगे तो सुपर कास्ट जो है उसका आपको मैनुअल दिख जाएगा, वहाँ पे आप अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं, यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। पैच का ऑप्शन मिल जाएगा, पैच में यहाँ पे सबसे पहले आपको बिस्की मिलेगा, उसके बाद अगर आप ब्लू कलर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिस्की के बाद आपको हो जाएगा क्रिप्टो की, उसके बाद आपको पावर व्यू EMM की मिल जाएगा, आपको पावर व्यू की मिल जाएगा, टैनवर की मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप एडिट करना चाहें, ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, कुछ करना चाहें वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं ओके। इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। ऑल एप्स की बात करें तो यहाँ पे लोकल IPD भी मिल जाएगा, ये है एक्चुअली आपका M3U प्लेयर। अगर आपके पेन ड्राइव में या आपके पास M3U फाइल है कोई तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वो M3U फाइल यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। एक्सट्रीम IPDB का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सेटिंग में जाना पड़ेगा सबसे पहले आपको, और एक्सट्रीम IPDB का यहाँ पे जो है URL, जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, पोर्ट है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसके बाद आप एक्सट्रीम IPDB के IPDB BOD सीरीज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। एप्लेट्स मिल जाएगा आपको, एप्लेट्स मतलब यहाँ पे जो भी ऑनलाइन सर्विस होती हैं आपकी, जैसे YouTube हो गया, YouTube किड्स हो गया, TikTok हो गया, या वीडियो नाम का जो ये ऑप्शन है ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। DLN रेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, सेट टू IP का मिल जाएगा। सर्वर की बात करें तो यहाँ पे न्यू कैम है, चैनल है,
फॉरएवर प्लस है। यहाँ पे खाली एसएस कैम जो है यही काम करता है, यही कनेक्ट होता है, मतलब बाकी मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या काम करता है क्या नहीं काम करता। अपने हिसाब से आप एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। ओके, और उसके बाद ब्लू कैम है, काफ़ी सारे सर्वर यहाँ पे इनबिल्ट दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ओके, उसके बाद चैनल की बात करें तो यहाँ पे टीवी चैनल, रेडियो चैनल, डिलीट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। नेटवर्क की बात करें तो ओनली वाईफाई के थ्रू ही आप यहाँ पे अपना इंटरनेट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका अपग्रेड मिल जाएगा, यू सॉफ्टवेयर अपग्रेड और अपग्रेड बाई नेट। अपग्रेड बाई नेट ट्राई मत करना, अदरवाइज आपका डब्बा ब्रेक हो सकता है, आपका अपना पैनल या फिर ट्यूनर या फिर रिमोट आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद आपकी सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में लैंग्वेज है, ऑडियो वीडियो है, ओएसडी है, टाइमर है, इवेंट टाइमर है। इवेंट टाइमर का मतलब ये, अगर इसको आप ऐड करेंगे ग्रीन कलर के बटन से तो यहाँ पे आप बता देगा ये, या फिर यहाँ पे आप ऑप्शन दे देगा कि भाई आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं रात को टीवी देख रहा हूँ और मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि रात को 10 बजे मुझे अगर नींद पड़ गई तो सेटअप बॉक्स अपने आप या जो है वो बंद हो जाए, पावर ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे आपको मोड पे करना है पावर ऑफ, टाइप में करना है यहाँ पे डेली या जब भी आप करना चाहें, और उसके बाद यहाँ पे टाइम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से 12 बजे, और 12 बजे आपका डब्बा सेट जो है अपने आप बंद हो जाएगा। और सेम अगर मैं यहाँ पे, एक बार आपका सेट हो गया या फिर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, एक मिनट, सेव कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा आपको टाइमर यहाँ पे सेट कर देना है, टाइमर एडिट में जाके कि यहाँ पे आपको अब पावर ऑन करना है, 12 बजे जो है मेरा या 10 बजे मेरा सेटअप अपने आप बंद हुआ और मुझे अब ये चाहता हूँ कि 6 बजे सुबह मेरा सेटअप अपने आप ही ऑन हो जाए। तो जी हाँ, वैसे भी आप सेटिंग यहाँ पे करके जो है आपका सेटअप बॉक्स यहाँ पे अपने आप जो है वो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद कलर की बात करूँ तो ब्राइटनेस, क्रोमा, कॉन्ट्रास्ट वगैरह अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ ये भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पैनल सेटिंग में जाके एलईडी ब्राइटनेस जो है उसके हिसाब से आप चेक कर या सेट कर सकते हैं कि आपके सेटअप बॉक्स का जो फ्रंट वाला पैनल है उसमें एलईडी कितनी ब्राइट दिखे, आपको फुल दिखे, लो दिखे, मिडल दिखे, या फिर उसके बाद एलईडी डिस्प्ले में चैनल नंबर देखें या फिर आपको टाइम देखें, वो भी अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अबाउट एसटीबी की बात करें तो ये है मेटा बिल्ड फॉर GX6605S, एनके और एमबी दोनों के लिए, दोनों सेटअप बॉक्सों में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओरिजिनल ही पगारिया का रिमोट काम करेगा, पैनल, ट्यूनर, रिमोट सब ओके। ओके, तो ये हो गया, टीएस डिले का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करूँ मैं स्पोर्ट्स टीवी की, तो हाँ कुछ आईपीटीवी हैं यहाँ पे जो कि काम करते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे आईपीटीवी में ऊपर गया मैं, और आईपीटीवी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं, हाँ ओके का बटन दबाऊँ तो यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे कंट्रीज वाइज हैं आईपीटीवी, अपने हिसाब से जो भी आप देखना चाहें वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, आईपीटीवी मतलब हाई स्पीड इंटरनेट, अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो आपका आईपीटीवी विदाउट बफरिंग काम करेगा, अगर नहीं है आपका हाई स्पीड इंटरनेट तो बरदर फिर दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर मतलब काम नहीं करेगा। माई एसडी आईपीटीवी है, ब्लू आईपीटीवी है, वीड आईपीटीवी है, फिर उसके बाद स्टार एसएसटीवी है, मैक्स है, प्रिंस आईपीटीवी है, सोनिक है, पैनाडोल है, और ड्रीन है, ड्रीन आईपीटीवी, अपने हिसाब से जो कुछ आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। ले चलता हूँ आपको चैनल इन्फो, तो ये है चैनल इन्फो का इंटरफेस, ऐसा कुछ आपको चैनल इन्फो देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैनल लिस्ट की तो ऐसा कुछ आपको चैनल लिस्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला अपडेट आपको GX6605S All NK और ME सीरीज के लिए जरूर से पसंद आया होगा। यहाँ पे अगर ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आ रहा है, अच्छी बात, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अपग्रेड पे जाओ, यहाँ पे दूसरी फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे जाओ, यहाँ पे अपग्रेड टाइप में USB अपग्रेड सेक्शन में ऑल फाइल पैथ पे जाने के बाद यहाँ पे मेटा बिल्ड रिकवरी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करो, उसके बाद स्टार्ट पे ओके कर दो। स्टार्ट पे ओके करेंगे USB के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर जो है डायरेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आपको नहीं है, कोई भी आपको प्रोग्रामर या फिर RS-232 की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। फिलहाल इसको होने देते हैं पहले कंप्लीट पूरा, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर आगे हम इस वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। जी हाँ, हमारा सॉफ्टवेयर हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल, या फिर ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से हमने कर लिया है सक्सेसफुली डाउनग्रेड। और डाउनग्रेड होने के बाद एक बार प्रॉपरली पहले बूट अप होने देते हैं सेटअप बॉक्स को, उसके बाद ही जी हाँ हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो चुका है इंस्टॉल। सीधा जाओ यूटिलिटी में, सॉफ्टवेयर अपग्रेड में,
अपग्रेड टाइप में यूएसए अपग्रेड सेक्शन में ऑल फाइल पैथ पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी अगर आपको हेलो बॉक्स इंस्टॉल करना है हेलो बॉक्स इंस्टॉल करो, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना अपने जो ओरिजिनल डंप है आपके रिसीवर का वो इंस्टॉल करना है, वो भी आप यूएसबी से इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में मैं हेलो बॉक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो अपग्रेड का स्टार्ट हो गया है और हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर जो है वो भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन उसकी हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ भी वेट करते हैं, पहले इसको होने देते हैं पूरा कंप्लीट। जी हाँ, सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है या फिर हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर भी हमने अपडेट कर लिया है ओरिजिनल के बाद डाउनग्रेड करके। एक बार इसको प्रॉपर बूट होने देते हैं पहले। हो गया भाई, हमारा हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला अपडेट आपको जरूर पसंद आया होगा। GS6605S ऑल एन के और ME सीरीज के लिए अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर पहली बार हैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, बोलते रहिए भारत माता की जय।